हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आईएएस एंड पीसीएस में। और यहाँ पे हम आगे बढ़ा रहे हैं आज सीरीज को, जिसमें कि हम लोगों ने कल देखे थे महेश कुमार बर्णवाल के सार संग्रह जो है वन लाइनर की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, एक खास बात ये है आप लोगों के लिए कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो एक बेल आइकन आपको बना हुआ दिखता है, उसे क्लिक कर लीजिएगा और उस पर पर्सनल लिखा हुआ आएगा, उसे टच कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो भी आपको सबसे पहले हमारी जो वीडियो बनेंगी वो आपके पास में नोटिफिकेशन में आ जाएंगी, है ना। होता क्या है कि जब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बच्चों को पता नहीं पड़ पाती है ना। और अभी हमारी वीडियोज इतनी ज़्यादा मतलब सर्च लिस्ट में नहीं आ रही है, तो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो आप इसके लिए ये काम कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके सबसे खास जो भी आपके पेपर, जैसे आप जो भी एग्जाम दे रही हैं वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, या फिर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिसमें भी आपका जीएस आता है, सभी जगह पे आपका ये बहुत काम करेगा। ये जो बुक है आपकी, मैं बता दूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। ये महेश कुमार बर्णवाल जी की लिखित है और इसमें आपके जितने भी एग्जाम है सब कवर हो जाएंगे। जीएस इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, ये मान के चलिएगा। तो हम 10 पेजेस के ऑलरेडी करवा चुके थे कंप्लीट, अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं जूम कर देती हूँ इसे। अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 10 पेज में इसके कवर करवा चुकी थी, जबकि इसमें 41 टोटल पेजेस हैं, मैंने बताए थे आपको। और अब हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर हम लोग चल रहे थे। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखेंगे वो है इस समय इंडियन स्टेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका राजस्थान। ठीक है, जयपुर राजधानी है, हिंदी है, और इसमें आप एरिया देख सकते हैं, एरिया के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान का जो है वो आपका दिख रहा है आपको 3,42,239 है, और ये देख लीजिए ये रहा आपका। इसके अलावा एमपी का आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप इतना तो इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो राजस्थान का आ रहा है, महाराष्ट्र का इसके नीचे है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज ये अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल वाइज ये इसी तरीके से है। और उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं, ठीक है, 2,36,286 है। इसके अलावा फिर गुजरात है, कर्नाटक है ना, आंध्रा काफ़ी नीचे चला गया। तो हम इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो देखते जाएंगे, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, है ना। ये देखिए पंजाब, ठीक है, और राजधानी दी हुई है चंडीगढ़। इधर आपके ये आ जाएंगे राज्य 22, और ये हो गई आपकी क्षेत्रफल 50,362। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि सबसे कम किसका है ना, सबसे कम या सबसे ज़्यादा पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्षेत्रफल के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका है सबसे कम जो क्षेत्रफल आएगा, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये, ठीक है, 3,000, ये देखिए, ये देखिए 3,702। ठीक है, ये किसका है आपका देख लीजिए, ये है गोवा का। ठीक है, ये है आपका गोवा का, ये देखिए, ये रहा गोवा, कैपिटल होगी पणजी। तो इसका जो एरिया है, एरिया वाइज देखे तो कम है। ठीक है, अब हम इसके अलावा देख लेते हैं जो नीचे दिए हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अभी 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है ना, और 8 आपके क्या हो गए हैं, यूटीज हो गए हैं, यूनाइटेड टेरिटरीज हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे ये रहे केंद्र शासित, इनकी कैपिटल है, और ये जिलों की संख्या है, और ये है क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल इसमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी। अब देखिए कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके जिलों की संख्या भी दी गई है 3। ठीक, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये कम है ना। और इसमें अगर हम देखें केंद्र शासित में जो सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है
एरिया वो किसका है, अंडमान निकोबार का है, 8,249। तो आप इसको अपने आप से एक बार कर लीजिएगा, इसका पर्पस बता दे रही हूँ, सबसे ज़्यादा और कम, ठीक है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो एरिया है उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर जिलों की संख्या से भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है, इवन आप एसएससी वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काम करेगा आप। चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का एक, और यहाँ पे एरिया आपका 114 है। और अगर हम बात करें इसमें सबसे कम की, ठीक है, सबसे कम के लिए अगर हम देखें तो ये देखिए सबसे कम किसका आएगा, देखिए सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार का एरिया नहीं है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो है वो लद्दाख का है, लद्दाख का ये आ गया 1,74,852, ठीक है। तो अब अंडमान निकोबार सेकंड नंबर पे हो गया और ये लद्दाख हो गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटा एरिया हम अगर ढूंढें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 32, मैं इसे जूम कर देती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा जो एरिया है वो है लक्षद्वीप का, ठीक है, इसका है लक्षद्वीप का है, और इसकी जो कवरत्ती है ये पूछी गई है, ठीक है, साफ साफ क्लियर वर्डों में पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, तो वो कवरत्ती है, जिलों की संख्या एक है, और यहाँ पे आपका 32 क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके से नॉलेज रहेगी तो क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये जीएस है, क्वेश्चन ऐसा चेंज नहीं होने वाला है, और ना ही इनकी जो सीमा है वो घटती बढ़ती है रोज रोज, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसे भी पढ़ा देते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात, ठीक है, और इसके अंदर जो एरिया दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल वो है 45,625, ठीक है, और सबसे छोटा भी दिया है और सबसे बड़ा भी दिया है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है, बड़ा जिला की बात हो रही है, ठीक है, जिला की बात हो रही है ना, सबसे बड़ा जिला तो वो कौन सा है, गुजरात है, और सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका माहे पुदुचेरी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा जिला अगर पूछता है तो कच्छ हो गया, और उसकी अगर वो पूछेगा क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको 45,000 से आइडिया लग जाएगा। वैसे नंबर ऐसे होते हैं कि याद हो ही जाते हैं, 2 से 4 बार पढ़ेंगे आप रिवीजन में। अभी मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कराऊंगी तो मैं आपको एक वन वन उसमें स्पीड में इसका पूरा रिविजन भी करवा दूंगी। और छोटा जिला कौन सा हो गया, माहे पुदुचेरी हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। इसके अलावा आपका देखिए वहां पे हम लोगों ने सारी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन थे वो देख लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है सभी इसके अंदर दिए हुए हैं, आप यकीन मानिएगा, आप करते जाइए और इसके संग में सेट लगाइए प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के भाग, तो अगर भारतीय संविधान के भाग देखें तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता हेतु जो 5 प्रकार से मिलती है वो कैसे, जन्म से, ठीक है, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, या भूमि के अर्जन के द्वारा, इन 5 तरीकों से क्या होती है, हमको भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसे जैसे कि आप इससे समझ जाएंगे, आप यहीं पे पैदा हुए हैं तो इसका मतलब आप भारतीय नागरिक हो गए, ठीक है। वंशाधिकार, अगर आपका वंश यहाँ से है तो आपका क्या हुआ, भारतीय नागरिकता बन जाएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो आपको पता होगा सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे आपके पास डुअल सिटीजनशिप का यहाँ कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, एक ही आईडी होता है, तो ये क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है, जबकि विदेशों में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है, और इंडिया के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप होती है, कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा बाहर डुअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता, ठीक है, के सिद्धांत को अपनाया, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, और यूएसए का भी पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नागरिक संशोधन, ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के
देखिए, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके तहत किस किस को है? तो यहाँ पे दिए हुए हैं देश के नाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, इन धर्म के लोगों को ओनली, पर्टिकुलर जो ये दिए हुए हैं, तो इनको जो भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो किस देश के जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई होंगे, उनके नागरिकों को दिया जा सकेगा? तो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो किस आधार पे खत्म की जा सकती है? ठीक है, खत्म करने का भी इसे प्रोविजन है। तो वो कब होगी? परित्याग पे, पर्यावसान पे या वंचना के आधार पे? परित्याग, पर्यावसना तथा वंचना के आधार पर। ठीक है, केवल इन्हीं कारणों से क्या कर सकते हैं? नागरिकता को खत्म या समाप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष, अगर आप कहीं रहते हैं, बाहर रह रहे हैं 7 वर्ष, ठीक है, लगातार 7 वर्ष रह रहे हैं, आप भारत में नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगी? आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो जो भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो कितने 2 वर्षों पर मनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है एनआरआई, पीआईओ एवं ये देखिए ओसीआई कार्ड धारक की मैं तुलना के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी तुलना देख लेते हैं। अब जैसे मान के चलें, हाँ, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं एनआरआई। ठीक है, भारत का नागरिक है जो साधारणतः भारत के बाहर क्या कर रहा है? निवास कर रहा है, और भारत का पासपोर्ट उसके पास में है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम? एनआरआई कह रहे हैं। अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उसके क्या हो गया? स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है रहा है। ठीक है, वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता उसे प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। ठीक है, यानी ये भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए जिसके कभी जो उसके ग्रैंडफादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगे, है ना, या फादर या मदर, उसके कोई जो भी पूर्वज हैं वो इंडिया से बिलोंग करते होंगे, वो यहाँ पैदा हुए होंगे, उनकी नागरिकता यहाँ की होगी। बट क्या हुआ कि वो पर्सन बाहर चला जाता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे रहने लगता है और वहाँ का पासपोर्ट भी ले चुका है। ठीक है, सपोज कोई है जो लंदन में रह रहे हैं और उनका पासपोर्ट भी लंदन का ही है, सिटीजनशिप भी वहाँ की, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे वो इंडिया के, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सभी कैटेगरी होती है और इस पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखने को मिल रहे हैं एनालिटिकल पेपर, तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पे पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे वो। ठीक है, वो एनआरआई नहीं कहलाएंगे, एनआरआई तो वो हो गए जिन पे इंडिया का पासपोर्ट है, और पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हो गए? वो लोग हो गए जो कि विदेश में रह रहे हैं और उनका पासपोर्ट भी वहीं का है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो विदेश में रह रहे हैं और उनका पासपोर्ट भी वहीं का है, लेकिन उनके जो फोर फादर्स थे, उनके जो मतलब दादी दादा या उनके मम्मी पापा में से कोई जो था वो क्या था? भारतीय नागरिक था। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे लोग भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ठीक है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जो विदेशी भारतीय नागरिक
ठीक है, भारतीय विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का धारक हो, उसके पास ऐसा कार्ड होगा जिसमें विदेशी भारतीय नागरिक का कार्ड होगा, ठीक, तथा नागरिकता अधिनियम 1955 सॉरी फ्रेंड्स, अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके विदेशी भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन तीन कैटेगरी पे क्वेश्चन बनता है। अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं, जिन पे भारत का पासपोर्ट होता है, ठीक है, और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, जिनके की फोर फादर्स यानी उनके दादी दादा मम्मी पापा से कोई भारत के मूल नागरिक हो, लेकिन अब वो लोग क्या है, विदेशी कार्ड धारक हो गए हैं, उनके पास पासपोर्ट है और वो फॉरेन में रह रहे हैं, तो ऐसे लोग भारतीय मूल के निवासी हो गए, ठीक है। और विदेशी भारतीय नागरिक कौन हो गए, ऐसे व्यक्ति हो गए जो विदेशी भारतीय नागरिक के कार्ड धारक हैं, तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनका क्या पंजीकरण हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में, तो ऐसे लोग क्या कहलाए, विदेशी भारतीय नागरिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है। अब भारतीय नागरिकता कैसे होगी, ये भारतीय नागरिक ही हैं, ठीक है, ये लोग कौन है, भारतीय नागरिक ही हैं, ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चाहे तो यहाँ पे भारत में कम से कम 7 वर्षों के लगातार रहने पे ये क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और यहाँ पे आपका हो जाएगा संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ठीक है। और यहाँ पे आपका है लाभ, ठीक है, प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं वो इसे मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, ठीक है, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए इनको मिल जाएगा, ठीक है, रहने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पंजीकृत है 1955 के तहत। और यहाँ पे वीजा नहीं है, इन यहाँ पे इंडिया के लिए इनको वीजा नहीं लगाना पड़ता, जबकि यहाँ पे वीजा इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बाहर के पासपोर्ट धारक हैं, तो इंडिया में आएंगे तो इनको वीजा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर विदेशी भारतीय नागरिक ऑलरेडी यहाँ देखिए 1955 के तहत पंजीकरण हो चुका है, तो जीवन भर वीजा, ठीक है, यानी कि ये जीवन भर, देखिए जीवन भर बिना वीजा के आ सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये ऑलरेडी पंजीकरण करवा चुके हैं तो ये लोग आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें मताधिकार, देखिए किस किस को मताधिकार है, इसको तो मताधिकार है क्योंकि ये NRI है, काम करने के लिए बाहर रह रहा है, इंडिया का पासपोर्ट धारक है, इसको नहीं है क्योंकि ये इंडिया का पासपोर्ट धारक नहीं है, विदेशी पासपोर्ट धारक है, इसको वीजा भी लेना पड़ रहा है तो ये वोट नहीं दे सकता। अब ये यहाँ रहने के लिए तो मान्य है, लेकिन इसको वोट नहीं देने देंगे क्योंकि ये विदेशी भारतीय नागरिक है, ठीक है, तो पंजीकरण तो है लेकिन इसे वोटिंग का राइट नहीं मिल रहा है। तो किसको वोटिंग का मिल रहा है, सिंपल सी बात ध्यान रख लो, अप्रवासी भारतीयों को मिल रहा है जिस पे इंडिया का पासपोर्ट है। अब कभी भी क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। आज मेरे ख्याल से ये टॉपिक ही आपका खत्म हो गया होगा, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय, देखिए ये आपको पहले से ही पता होगा, आई होप अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पता होगा, ठीक है। तो ये क्या करा गया था, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये पेज पूरा खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत क्या हुआ है, मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार क्या हो गए आपके, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है किसके तहत मिल रहे हैं आपको, भाग 3 और अनुच्छेद जो है इसके 12 से 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, कई बार का पूछा गया सवाल है, FR के बारे में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35,
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, ठीक है। यहाँ तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो भाग तीन में करे गए 12 से 35 अनुच्छेद आएगा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ठीक है। ये जो लागू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, किससे हो रहा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संविधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि जो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कानून की, तो यहाँ पे आपका आ गया अनुच्छेद 13, संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अलावा हम देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये है मौलिक अधिकारों के। देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दी गई, तो वो यहाँ पे हो गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों से प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो ये देखिए मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? देखिए समानता, वहां मौलिक अधिकार की बात थी, यहाँ समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो वो है अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार, ठीक है। और जबकि अभी हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार भाग तीन में है, ठीक है। और अनुच्छेद क्या थे इसके, देख लीजिए 12 से 35। और जबकि समानता का अधिकार, देखिए कंपैरेटिवली करते जाइए, 1 मिनट। ये है मौलिक अधिकार का 12 से 35 अनुच्छेद भाग तीन, और यहाँ पे समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 14 से 18, ठीक है। ये किसके अंदर आ रहा है, 14 से 18 में आ रहा है, जबकि मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए दो तरीके के हैं, एक तो हो गया आपका केवल भारतीय नागरिकों के को प्राप्त मूल अधिकार, और एक है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो भारतीयों को जो प्राप्त हो रहे हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। भारतीयों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। इसमें प्रतिषेध है क्योंकि इसके ऊपर आप इनमें भारतीय नागरिकों में अंतर नहीं कर सकते। किसमें कहा गया, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और विधि, और अगर हम बात करें कि विदेशी नागरिकों के मूल अधिकार की, तो इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, ठीक है। इनको विधि के समक्ष समता का अधिकार है और विधियों का समान संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 14 के तहत इन्हें मिलता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो एरिया है, ये पर्टिकुलर केवल और केवल इंडियन सिटीजनशिप के लिए है, और ये वाला विदेशियों के लिए है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, मैं पहले आपको भारतीय नागरिकों के पूरे करवा देती हूँ। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, वो अनुच्छेद 19 में है। जो ये अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करना, संघ, सरकारी समिति, ये सब जो है, और कई किसी राज्य में बसना, व्यापार करना, ये सारे आपके अनुच्छेद 19 में आते हैं। जबकि लोक नियोजन के विषय में जो समता का अधिकार मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद 16 में, ठीक है।
तो विचार एवं अभिव्यक्ति वाला जो है वाक एवं अभिव्यक्ति, वो आपका किसमें है, अनुच्छेद 19 के तहत आता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो किसके तहत सुरक्षित करा गया, अनुच्छेद 30 के, ठीक है। ये अनुच्छेद कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ये सारे अधिकार इन्हें मिलते हैं। और अगर विदेशियों में देखें, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों के जो अधिकार हैं उसमें हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 7 तरीके के हैं। एक तो ये मेरे पर अपराधी आपको विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के उप संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में किया गया है। जबकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इनका अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ठीक है। ये तो आपको एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे, आप इसे रिपीटेडली पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, अनुच्छेद 17, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या करा गया, अनटचेबिलिटी का क्या करा गया, उन्मूलन किया गया। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, किसके तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो आपका है अनुच्छेद 18 का संबंध, 17 का तो अनटचेबिलिटी से हो गया, आपका 18 किससे रिलेटेड है, उपाधियों के अंत से। ध्यान रखिएगा ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, रटने के लिए पर्टिकुलर एक ही दिन नहीं, आप बार बार रिवीजन करते रहिए डेली सुबह शाम, तो हो जाएगा। यही एक तरीका है, निमोनिक बनाना चाहें तो निमोनिक बना सकते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध हो गया उपाधियों के अंत से, ठीक है। भारतीय संविधान में ये लास्ट वाली लाइन भी देख लेते हैं, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, ठीक है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगर आर्थिक समानता आपसे पूछी जाए, आर्थिक समानता तो आप समझते होंगे ना, इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो ये किसमें सम्मिलित नहीं है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ठीक। इसके अलावा हम देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें है, अनुच्छेद 19 में है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किसमें अंतर्निहित है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए आप थोड़ा किस अनुच्छेद में, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19A, ये देख लीजिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में आ गया, अनुच्छेद 19 में, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, आपको ध्यान हो तो एक बार प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जा चुका है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कब किया गया था, कुछ काम आप भी करा करो, उससे क्या होता है कि जितना ज्यादा आप सर्च करोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। किसी चीज को किसी इवेंट के संग जोड़ के याद रखो आप, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, देखिए संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये है अनुच्छेद 19A में, ठीक। अभी भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो दिया गया है वो किसमें दिया गया है, ये दिया गया आपका आर्टिकल 19A में, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे बहुत ही तेज़ी से ख़त्म कराएंगे। आज आपके काफ़ी सारे पॉलिटी के वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ, आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ते चलिएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1A) में, देखिए 19 अनुच्छेद के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल 19 बहुत पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, या तो इसके बारे में दे देंगे और पूछेंगे कौन सा आर्टिकल है, या फिर आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। बात वही है, एक बार ठीक से पढ़ लो, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं पढ़ लो, कौन कौन सी हैं। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, तो ये किस में है, 19(1G) में है। इसके अलावा भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद किस में है आपके, अगर आप सपोज कहीं जाते हैं और वहाँ रहते हैं तो किसके तहत आपको ये फ्रीडम मिल रही है, 19(1E) के। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19(1D) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1C) में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन, ठीक है, हथियार रहित है यहाँ पे, सम्मेलन का अधिकार किस में मिल रहा है, 1(B) में मिल रहा है, ठीक है। मैंने उल्टे पढ़ाए हैं आपको, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, यानी कि व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार, किसी जगह पे निवास करने का अधिकार, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, राज्य में आबाद संरक्षण का अधिकार, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप क्या मतलब बिना रुके जा सकते हैं ना, तो वो 1D के अकॉर्डिंग मिल रहा है। मैंने उल्टा इसलिए पढ़ाया था कि ये जैसे आपका A से लेकर के G तक है, अब हम G से उल्टा पढ़ लिए, G, E, D, C, B, और ए आपका था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद, ठीक है। संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वो 19(1C) में है। तो इस तरीके से ये कितने 6 अधिकार हो गए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसे पढ़ाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, गवाह बनाने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते, तो ये किस में है, ये अनुच्छेद 20(c) में, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, गवाह स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए किसी को हम क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। दोहरे दंड और स्व अभिशासन से संरक्षण जो प्रदान करता है वो कौन सा है, अनुच्छेद 20 है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा, ठीक है, सॉरी, विदेश यात्रा के अधिकार संरक्षण, यानी कब आप जैसे विदेश जाना चाहते हैं उसकी यात्रा का जो अधिकार का संरक्षण है वो कौन सा आर्टिकल है, मतलब आपको रोका नहीं जाएगा कहीं भी जाने से, तो वो है अनुच्छेद 21, ठीक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, प्रावधान से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 24, ठीक। दोहरे दंड और स्व अभिशासन के जो प्रदान कर रहा था वो क्या था, सुरक्षा दे रहा था, अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो विदेश यात्रा के अधिकार से संरक्षण प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 21 है, ठीक है। और शोषण, बच्चों के विरुद्ध जो शोषण होता है उसके जो संरक्षण प्रदान कर रहा है वो कौन सा है, अनुच्छेद 24 है, ठीक है। ऐसे करके आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध जैन सिख धर्म स,
सम्मिलित है। इसमें हिंदू के अंदर कौन से धर्म सम्मिलित हो रहे हैं? बौद्ध, जैन और सिख धर्म। ठीक है, ये धर्म भी इसमें क्या हो रहे हैं? सम्मिलित हो रहे हैं। किसके तहत हो रहे हैं ये पूछा जा सकता है? ये है अनुच्छेद 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, टाइम बियॉन्ड इनमें क्या हो सकता है? परिवर्तन हो अमावस्या सकता है। है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका। तो इसका जो ये क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1), अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30(1), अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये हम देख लिए। तो अब आगे चलते हैं। इसमें अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसे कहा है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32। इसमें कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड? 32। ठीक है, तो संविधान का हृदय एवं आत्मा, ये कमेंट कई सारे, मतलब आप कमेंट में बताइए, कई सारे उसमें पूछा गया एग्जाम में कि नहीं, कि संविधान का हृदय व आत्मा ठीक है किसे कहा गया, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा है? तो किसे कहा है? ये कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका, ये देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका, रिट दायर की जा सकती है? ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का, ठीक है, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ है वो किसके निर्णय के आधार पर मिला है? तो वो मिला था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखें संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये आपका 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, वो था 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार, है ना। इसके बाद में वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी कैसा अधिकार है आपका? वैधानिक अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट में आपके नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई सारी जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है, आप ध्यान भूल जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी आप क्या सोचेंगे कि ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जबकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है आपका राइट? ये लीगल है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है ये। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया भी है नीचे, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अब देखिए कोई भी चेंजेस सरकार करती है ना, तो उसके लिए कुछ अनुच्छेद में प्रोविजन लाए जाते हैं, जो ये हम देखते हैं ना कि ए आ गया, बी आ गया, जी आ गया, जी में भी फिर
जी में भी आगे कुछ सब वो लगा देते हैं स्मॉल कैप में अल्फाबेट। तो इस तरीके से जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं कि चेंजेस हो रहे होते हैं ना, यानी उसके आगे कुछ भी नंबर के आगे लिखा हुआ था वो क्या है, चेंजेस हैं। तब देखिए किसके अकॉर्डिंग आया था ये, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वाला आरक्षण प्रदान करने का, तो कौन सा अनुच्छेद, तो ये है अनुच्छेद 15 6 तथा 16 6। तो ये दो तरीके के हैं अनुच्छेद, इसके अंतर्गत क्या करा गया, ईडब्ल्यूएस में जो प्रोविजन लाए गए आरक्षण प्रदान करने के वो 15 और 16 के तहत लाए गए। अब इस पे क्वेश्चन बहुत चांसेस है बनने के। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार, किस प्रकार का अधिकार है, ये एक मूल अधिकार है, इसका अनुच्छेद है 300A। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये मूल अधिकार है और ये है अनुच्छेद 300A का। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें देखिए नीचे कुछ डिटेल भी दी हुई है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, जो हमने अभी देखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ये केवल इंडियन सिटीजनशिप सिटीजन वालों के लिए नहीं है, ये जो नॉन इंडियन सिटीजन है उनको भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। ठीक है, दो चीजें यहाँ से पता पड़ गई, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 352 है, दूसरा इसमें बात हो रही है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही उसे समाप्त कर सकते हैं और ना ही उसे सीमित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, यानी कि आप किसी से जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, ठीक है, या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो कई सारे जो फंडामेंटल राइट हैं यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको स्थगित किया जाता है, बट इसको स्थगित नहीं किया जाता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आया है और बहुत इसका वेटेज है हर बार आने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके सभी तरह के वीडियोस बनेंगे, हर हर सब्जेक्ट के सब आपके वीडियोस इस पे मिल जाएंगे, और इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटी खत्म होती है तो हम इसके एमसीक्यूज भी अवेलेबल करा देंगे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, यानी कि बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, ये वर्ष 1976 में पारित किया गया। ठीक है, यानी कि जो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो बनाया गया संसद ने किस वर्ष पारित किया था, तो ये 1976 में पारित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मूल अधिकार, देखिए ये पूरी लिस्ट दी हुई है मूल अधिकार के अनुच्छेद की, ये मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है सभी चीजों को, इतना अच्छा आपको किसी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब देखिए आप 14 से याद करना शुरू करिए, तो पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखिए समानता का अधिकार कहाँ से शुरू हो गया, 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो गया, 19 से 22 हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29। देखिए हर बार एक पॉइंट आगे चला जा रहा है, देखिए 22 से 23, फिर इधर 24, फिर इधर 25 आया, 29 से 30 आ गया, अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें सिंगल है 32। ठीक है, यहाँ पे 31 नहीं है, तो आप ढूंढ के मुझे बताना वो क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको क्या, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा और लर्निंग कैपेसिटी आपकी चीज़ों को याद करने की भी बढ़ जाएगी। लास्ट में कोई पॉइंट दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ लिया करिए, इम्पॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 के तहत क्या प्राप्त हो रहा है, सभी धर्म जो भी धर्मावलंबी हैं, धर्मों को मानने वाले हैं,
धार्मिक संस्था की स्थापना करना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार उनको क्या है, प्राप्त है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, मैंने जूम कर दिया है। ये अनुच्छेद 26 के तहत है, ठीक है, आपको इसके तहत कोई रोक नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन देख रहे हैं। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो चलिए इसे कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ठीक है, तो समावेश किस संविधान के भाग में किया गया है? ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, भाग 4 में, ठीक है। इसके अलावा, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में, देखिए, शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों लाए? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना था इसलिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ठीक है, समावेश संविधान के किस भाग में? तो ये किया गया आपके भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो वो भी पंचायती राज प्रणाली किसके तहत की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, जिसका भाग 4 है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो यानी कि समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, अब इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो क्या है आपका? वाद योग्य नहीं है। ठीक, उसके ऊपर आप वाद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें अगला, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूरे अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, ये पूरे देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, 36 से ये शुरू हो रहे हैं, तो हम इसे लेके चलते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ठीक है, इसके अलावा आपका है अनुच्छेद 38, आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। यानी 36 में तो हो गया राज्य की परिभाषा है, 37 में आपका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, अनुच्छेद 39 में अगर हम देखें तो निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सारे इसके अंदर अनुच्छेद आ गए। और 39 खा को अगर हम देखें तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो, ठीक है, जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घा, ठीक है, 39 घा को अगर देखें तो पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 39 ढा को देखें तो पुरुष और स्त्री, देखिए, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इसे थोड़ा सा पढ़ते चलिए रोज रोज, तो याद हो जाएगा। एकदम से तो याद नहीं हो पाएगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक,
अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मन मान वोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, ये अनुच्छेद 42 में आता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक, 43 के आगे का देख लेते हैं। हमेशा पूछे ही जाते हैं, अनुच्छेद के बारे में पूछा ही गया है। अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 के तहत SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषण है, ये पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग प्रतिबंध। ठीक है, जो करे गए हैं वो किसके तहत करे गए हैं? अनुच्छेद 47 के तहत करे गए हैं। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 काम है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत दी गई हैं और ये इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये सारे आपके अनुच्छेद हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अगर देखें तो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। देखिए, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आपके काम का नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो आप स्किप करेंगे, हो सकता है पेपर के अंदर अगला क्वेश्चन वहीं से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को मैं तो यही कहूँगी कि आप स्किप ना करें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगले के अंदर हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को, देखिए, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो ये है आपका पूर्व सोवियत संघ। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो एफ फंडामेंटल राइट देखिए आया था, है ना। फिर क्या आया? फंडामेंटल ड्यूटीज भी आया। तो जो मूल कर्तव्य है किसको देख करके सम्मिलित करा गया, तो ये क्वेश्चन आता है ना। तो पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो ये है आपका भाग 4A। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं तो वो किसके तहत आए? क्योंकि ये ऐड करा गया था, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है 4A। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ इसमें दिया हुआ है डिटेल इसके बारे में, उसे पढ़ लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसने क्या करा था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है ना, तो अगर 10 मूल कर्तव्यों को किसके तहत जोड़ा गया?
तो आप क्या बताएंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और कब जोड़ा गया पूछ ले, तो वो वर्ष था 1976। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कब, 1976 में। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसी समिति किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए, तो मूल कर्तव्य करे गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में गठित किए गए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वें। ठीक है, और कब जोड़ा गया था पूछे तो 2002, साल भी पूछ लिया जाता है अलग से। तो 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 तक हमने पहले पढ़ लिया था, ये कौन सा है, 11वां। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी गाइस, देखिए मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है। तो देखिए मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। ठीक है, ये मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, तो इनको किन दो वर्गों में रखा जाता है, एक तो नैतिक और एक नागरिक। ठीक है, कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य भी होते हैं और कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य भी होते हैं। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। तो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, कौन सा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का अंग है, ये मौलिक कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन करिए, आपको खुद पता पड़ेगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं है। अगर आप सभी चीज़ों को, सभी नोट्स को साइड में रख के अगर इस बुक की बार बार प्रैक्टिस लगाते हैं, तो आप यकीन मानिएगा 70+ मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, 70+ क्वेश्चन आपके मतलब 200% करेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसी से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बदल रहा है, आप बताओ हिस्ट्री में पॉलिटी में कुछ बदला है क्या। बाकी आपको करंट अफेयर्स साथ में करना पड़ेगा, आपका पेपर किसी भी क्षेत्र का पेपर आप दे रहे हो, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपका अनुच्छेद 51 का में, ठीक है, वर्णित है। इसके अलावा हम देखें, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, ये केवल नागरिकों पे लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य किन पे लागू हो रहे हैं, तो ये केवल नागरिकों पर, ठीक है, भारतीय नागरिकों पर ही लागू हो रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो ये हैं आपके संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक,
इसके अलावा है, भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, इसके बाद आपका 6 है हमारी सामासिक संस्कृति। ठीक है, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण अंतर्गत वन झील नदी वन्य जीव सम्मिलित हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है आपका व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वें में देखें तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य का संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2 या 2 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य है? ठीक है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। ठीक है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ठीक है, तो इसमें कहा गया था राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। अब लास्ट में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसकी भी बहुत महत्वता होती है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती। ठीक है, PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक। ठीक है, फादर ऑफ PIL, जनहित याचिका होता है ना, पिटीशन वो डाली जाती है लिटिगेशन, उसके लिए होता है ये। तो ये आपका PIL के लिए है, ये किसके द्वारा था? PN भगवती 1985 से 86। ठीक है, इनके द्वारा क्या करा गया था, इसे लाया गया था, इसलिए इनको इसका क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। चलिए, देखिए, अगर आप इसी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। बाकी आप बिल्कुल आजाद हैं रिसोर्सेज चुनने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे ज्यादा हम मेजर क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका प्रेसिडेंट। तो चलिए जल्दी से प्रेसिडेंट के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, तो अनुच्छेद 58। ठीक है, तो कौन कौन किस तरीके से, तो यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का नागरिक, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसकी, किसी लाभ के पद, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, और न्यूनतम जो उसकी आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गई, उसकी अर्हताएं हो गई, उसकी किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये तो इतनी बार पूछा गया है कि शायद आपको भी ये लग रहा होगा कि हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करते हैं? ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से देखिएगा, निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, वहाँ ऑप्शन में निर्वाचित के साथ साथ वो क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर भी डाल देता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा अगला देख लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो वो है 50 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव जो होता है उसका समर्थन कम से कम कितने तो सदस्य का होना चाहिए, तो वो 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। ठीक है,
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नहीं कर पाएगा, मतदान नहीं कर पाएगा अगर वो राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो है, यानी उसके जब चुनाव होंगे तो वो वोट डालेगा, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। तो वो कौन है? राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। राज्यों की विधानसभाएं जब इसका महाभियोग होता है राष्ट्रपति का, तब वो भाग नहीं ले सकती, ठीक है। इसके अलावा संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? देखिए, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक वक्त में दो जगह पे नहीं हो सकता। तो क्या करेगा वो? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, ठीक है, मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त जो रिक्तियां होती हैं उसको क्या करना होता है? 6 माह की समय सीमा के भीतर ही भरना होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उसे महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल संसद को, ठीक है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, समझे। राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन ये राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है मृत्युदंड से माफ करने की। इसके अलावा हम अगला देख लेते हैं। देखिए, संघ की पालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 57 है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 111, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ये अनुच्छेद 160, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित, सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ अनुच्छेद हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, आप जहाँ से छोड़ के जाएंगे हो सकता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 54 देखे तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। देखिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के अर्हताएं,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और 62 है राष्ट्रपति पद का रिक्त होने की स्थिति में उसको भरने का निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, अनुच्छेद 72 में देखें हम तो यहाँ पे आपका क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो ये सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरा कहना यही है कि आप इन्हें याद करिएगा, केवल पढ़िएगा मत, ठीक है, रिपीटेडली पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, वरना यहाँ मैं पूरी बुक को एज इट इज़ कवर करवाने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। देखिए अभी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उससे बचे हुए हैं, उन्हें भी हम कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, आई होप अपने को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, ठीक है, तो पॉकेट वीटो है, सॉरी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है, तो वो था भारत डाकघर, ठीक है, संशोधन विधेयक 1986 में। ठीक है, आप नाम बताइएगा, वो राष्ट्रपति का नाम भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम देखते हैं कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, ठीक है, अब यहाँ पे जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनके नाम दिए गए हैं, मैं इसे जल्दी से पढ़ देती हूँ, ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, वित्त आयोग, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल तथा प्रशासक, दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है, सॉरी, देखिए वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, ठीक है, अब खाली तो रख नहीं सकते हैं, तो किसी को तो बनाया जाएगा, तो वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है, तो यह उक्ति किस पर लागू होगी, भारत के राष्ट्रपति, वे वो प्रतिनिधित्व तो करते हैं राष्ट्रपति लेकिन नेतृत्व नहीं करते, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, तो अगर ये पूछा जाए तो आप अब इसका जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली जो प्रक्रिया वो क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे क्वासी फेडरल कहा जाएगा। अब अगले पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति, और जूम कर देती हूँ मैं इसे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र धारण करने वाले पदाधिकारी, ठीक है, कौन कौन से हैं, संघ के मंत्री, गवर्नर्स यानी राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी हैं ये, ठीक है, तीनों। अगला, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाएगा, आपका एक अधिनियम बन जाएगा।
जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपना अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और ये बहुत बहुत बार पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। ठीक है, ज़्यादा और कम दोनों पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि के लिए और डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ठीक है, ये स्थितियां हैं जिस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं। तो जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये 9th पेज है। जैसे कि हमने कहा था, हर सीरीज़ में आपको 10 पेज मिलेंगे, हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सदस्य। ठीक है, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति पे, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बोल रही हूँ, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, ये हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, डिसमिस, ठीक है, संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रपति के लिए किस में लाया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समान समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, 67 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और इसके अलावा 68 में देखें तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव, समय निर्धारण करना और आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति करने के लिए उसके चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल देखना। ठीक है, और 69 में देखें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, और अनुच्छेद 70 में अगर बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, और 71 में देखें, अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय जो है उपराष्ट्रपति के, वो किसमें है? अनुच्छेद 71 में है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। ठीक है, तो ये तुलना आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ।
ये देखिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक, मैं इसे बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करा देंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आप दोनों को देख लीजिए एक साथ में। देखिए लोकसभा का इसमें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहाँ पे आपका, एक मिनट पहले वाला मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए और यहाँ पे आपका है, इसके अंदर निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे निर्वाचक मंडल के हैं केवल, ठीक है, मनोनीत वाले नहीं थे। राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि यहाँ पे केवल राज्यसभा से ही ये हटाने का प्रयास प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है, ठीक है। कहाँ से दिया जाता है ये सवाल आ चुका है, भारत की संचित निधि से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, सभी के नाम है और सभी के आगे ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अभी तो इसके ऊपर क्वेश्चन इतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे ये रिसेंटली देख लीजिए, श्री मुप्पावारापू वेंकैया नायडू 2017 से अब तक, ठीक है। इसमें है किसी के सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र, हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन पहले ग्रहण करेगा, तो वो है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन में सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वो है राज्य विधान परिषद के सदस्य, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आज का हमारा आखिरी पेज है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यदि भारत प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री के सहित, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये आपका 51वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, और कब किया गया, तो ये 2003 में किया गया था, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति, एक मिनट,
केंद्रीय मंत्री, देखिए संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए इसके 4 पॉइंट हैं, दोनों को मैं इसी तरह से दिखा देती हूँ आपको, आई होप दिख रहा होगा। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, ठीक है। और इसमें है आपका, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। इसमें यहाँ यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है। और इस मंत्रिमंडल में देखें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, ठीक है। जबकि ये संवैधानिक निकाय है, 74-75 में इसका वर्णन है। और सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ के समस्त कार्यपालिकाओं कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों का कार्य का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी मंत्रिमंडल, देखिए ये देखिए, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जबकि अगर हम इधर देखें तो ये देख लीजिए, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, मंत्रिमंडल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, आपके मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये दोनों का कंपेरिजन था, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ देख लीजिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। और इसके अलावा भारत के संविधान, मैं और बढ़ा कर देती हूँ इसे जूम करके, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये है आपका अनुच्छेद 257, ठीक है। लाभ के पद पे, ठीक है, लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के, ठीक है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? ठीक है, पहले गृह मंत्री बने फिर रक्षा मंत्री, ये बने कैलाश नाथ काटचू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे, ठीक है। सभी पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द का उपयोग किया गया है? यह अनुच्छेद 352(3) में किया गया है, ठीक है। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसे पूरा करवा दिया है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको जल्दी से रिविजन करवा देती हूँ क्योंकि सभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। मैंने कहा था आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस तरीके से इसलिए करा कि 10-10 पेज करके आप लोगों को बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसे क्लियर कर लेती हूँ। ये देखिए भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए ये पूरे केंद्र शासित हैं, इसमें आप क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार से हम लोगों ने देखा था, इसमें ये जन्म वाला था, वंशाधिकार, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। संविधान किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है, ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, और यूएसए के अंदर जो है वो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लें जल्दी से तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं जो हिंदू धर्म में शामिल होंगे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी। ठीक है, और कहाँ के, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन हमने देखे थे। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त होती है, तो परित्याग, पर्यावसन और वंचना के आधार पर ही समाप्त करी जा सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों पर भारतीय नागरिकता समाप्त करी जाती है, 7 वर्षों पर करी जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको NRI, ये देखिए जिनके पास में क्या है, इंडिया का पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, तो वो कौन से हो गए, वो आपके NRI हो गए थे। PIO में मैंने बताया था जिनके पास में विदेशी पासपोर्ट है। ठीक है, लेकिन उनके फोर फादर्स, उनकी दादी दादा या फिर उनकी फैमिली, कोई भी मतलब पहले से जो उनके पूर्वज थे वो यहाँ के क्या थे, भारतीय नागरिक थे। ठीक है, लेकिन उनके पास में क्या है, विदेशी पासपोर्ट है, तो वो कौन हो गए, वो लोग क्या हो गए, भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए, लेकिन उन्हें यहाँ पे आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। इनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता और इन्हें भी वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कौन है, इन्होंने 1955 के अंतर्गत पंजीकरण तो करवा रखा है, परंतु ये ना तो मतदान कर सकते हैं यहाँ पे, और ना ही इनको यहाँ पे मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के वोटिंग में ही इन लोगों को कोई राइट नहीं है, और वीज़ा इनका भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें सबसे मेन टॉपिक, देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, मताधिकार का इनको केवल यहाँ पे वीज़ा, देखिए वीज़ा और मताधिकार के बिना पे हम लोग इन्हें ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया था क्या, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखे थे। ठीक है, इनकी विषय वस्तु देखी थी, सभी अनुच्छेद यहाँ पे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता, पाकिस्तान भारत प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता अधिकार। ठीक है, जो भारत के बाहर रह रहे हैं, है ना, उनके, और इसके अलावा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है जिसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है, भारतीय नागरिक, और देखिए नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। ठीक है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये किससे है, ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, नहीं प्राप्त की जा सकती है कि आप धन जमा कर रहे हैं, इसके बिना पे आपको क्या होगा, नागरिकता नहीं मिल जाएगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, ठीक है, ये कहाँ, ब्रिटेन का प्रावधान से लिया गया। और भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, ये कृषि भूमि कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकते। क्या, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, कार्ड धारक है फिर भी वो कृषि भूमि नहीं ले सकते। देखिए कितनी फास्ट रिवीजन है, ऐसे ही आपको भी रोज रिवीजन करना है। ठीक है, और ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। उसके अलावा आप देख लीजिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार का हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को। ठीक है, अनुच्छेद 13 दिया गया, संवैधानिक प्रावधान को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें हम संवैधानिक उपबंध, ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी का छूट गया है तो वो एक बार ही ठीक से देख पाएगा, जिनके पास बुक नहीं है उनको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं इसे दिखाती जा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, अनुच्छेद 15 है, 16 है नियोजन के संबंध में, और अनुच्छेद 19 है वाक अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्राई सम्मेलन के, और 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण था, और 30 के अंदर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, इसके इसके उसमें था। उसके अलावा आपका देख लीजिए यहाँ पे जो विदेशी जो नागरिक है उसके लिए क्या था, 14 था, जिसमें समक्ष विधि के समक्ष तो इनको समता का अधिकार है और विधियों के समान संरक्षण का भी है, ठीक है, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, जीवन का अधिकार इनके पास भी है, ठीक है, अनुच्छेद 21, और शिक्षा का अधिकार भी है अनुच्छेद 21 के कुछ दशाओं में, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण कुछ दशाओं में है यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद 22, ठीक है, शोषण के विरोध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ठीक है, तो ये इनके पास है अधिकार, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है विदेशियों के पास में कौन सा अधिकार है। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि आप जब शुरू में पढ़ते हैं तो लगता है ना, तो इसमें 19 की मैंने सारी 6 की 6 बताई थी, मैंने कहा था आपको, आप उल्टा मैंने पढ़वाया था जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो इसमें आजीविका व्यवसाय व्यापार ये 19(1)(g) में था, भारत के किसी भाग में निवास करने का बसने का तो 19(1)(e) में था, भारत के राज्य के क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार 19(1)(d) में था, संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में, और शांतिपुर हथियार रहित सम्मेलन करने का 19(1)(b) में, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने करवा दिया था आपको, अभी हम केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोबारा से पढ़वा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया, तो अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20(c) में, अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन संरक्षण, तो ये किस में, अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है, तो ये अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, तो ये अनुच्छेद 24 है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन बौद्ध जैन सिख धर्म सम्मिलित हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, वो है मौलिक अधिकार। उसके अलावा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो वो है न्यायपालिका, ठीक है। और अनुच्छेद 30(1), ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबी धार्मिक संस्था की स्थापना धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आपका पर्सनल फ्रीडम, तो ये आपका है बंदी प्रतीक्षीकरण, ठीक है, और यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है ना उसकी याचिका जो दायर की जा सकती है वो बंदी प्रतीक्षीकरण है। मौलिक अधिकारों के संशोधन का, देखिए मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार तो वो आएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार जो है वो आए थे आपके 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है, ठीक है, अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, आरक्षण प्रदान करने का संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6), ठीक है, जो EWS जो बनाए गए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है अनुच्छेद 300(a) के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ठीक है, अभी हम लोगों ने विदेशी वाले में भी ये पढ़ा था। राष्ट्रीय आपातकाल में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता, ऐसा कौन सा मूल अधिकार है, तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन, ठीक है, अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, 1976 में किया गया था, ठीक है। मूल अधिकार जो है वो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार 32, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने DPSP को देखा था, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना, इसमें आपके नीति सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश, तो ये आपके राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों में भाग चार की बात कर रहा था। इसके अलावा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो की गई राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है,
ये भी आपसे एसर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है। दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा सही है गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे हमने बताए थे, ये सारे अनुच्छेद मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, आप एक बारी ठीक से इन्हें पढ़ लेना स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। सॉरी वीडियो चला के ही पढ़ पाएंगे आप तो, ठीक है ना। तो ये आपके मैं अनुच्छेद दिखा दे रही हूँ, सभी अनुच्छेद हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपके हैं 43 का अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45(6), ठीक है, 47, 48, 48, ठीक है, 48 का अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 43 का में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत दिए गए हैं, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, वो है अनुच्छेद 51, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, केटी शाह का कहना था, ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये हो गए आपके 5 तक। इसके बाद नेक्स्ट फेज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने मूल कर्तव्य देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया किस देश के संवैधानिक प्रावधान है, तो ये देखिए मूल कर्तव्य का पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति 8 मूल कर्तव्य, ठीक है, सुझाव दिया था। 42वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा क्या करा गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। मूल कर्तव्य की समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब किए गए, तो 1976 में करे गए थे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 2002 में। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो भागों में वर्गों में बांटा गया, तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है, नैतिक कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा आपका प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों को देखिए रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब इस पे भी सवाल आ सकता है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग, तो देखिए अनुच्छेद 51 में है। इसके अलावा आप देखें मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो केवल नागरिकों पर, ठीक है, मूल कर्तव्य लागू हो रहे हैं वो नागरिकों पे हो रहे हैं। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रध्वज, आदर्श संस्था, ठीक है, संविधान का पालन करें, ये सब। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, ठीक है, भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, किसी पर प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक है। वन, इसके अलावा देखिए वन झील नदी और वन्य जीव सभी सम्मिलित हैं, इसमें रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको करवाए थे। देख लीजिए 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है, ये किसके तहत आया था वो देख लीजिए 2002 में आया था, ठीक है, 86वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा था, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य, किसी लाभ के पद पे हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन तो वो 50 निर्वाचकों द्वारा, ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव एकल हस्तांतरणीय यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य को मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा तो वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महायुपयोग में भाग नहीं लेता, वो है राज्य की विधानसभा संसद तथा विधानसभा के कोई सदस्य है। राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें होती है, तो देखिए निर्वाचन होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, अभिभाषण तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखिए संसद का राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु प्रत्याग हटाए जाने पर तो उसमें क्या होगा, 6 माह की समय सीमा के भीतर ही उसको भरना होगा। और राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है तो वो है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की अधिकार किसको प्राप्त है, वो संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें तो संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के देखिए किस अनुच्छेद के रहते, तो अनुच्छेद 53 था, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, तो ये पुनः निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 द्वारा जो देखेगा। और राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा पारित की गई विधेयक अनुच्छेद देख लीजिए 111 है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं किस अनुच्छेद अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है अनुच्छेद 160 में। ठीक है, और यहाँ पे आपके दिए गए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार ठीक से, मैं पढ़ा चुकी हूँ है ना ये। इसके बाद में आप देखें अगला, तो देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके पद राष्ट्रपति। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकते हैं तो ये देख लीजिए आप, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन तो ये हो गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो किसने प्रयोग किया था, तो ये देख लीजिए भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। ठीक है, और इसके अलावा भौगोलिक अनुसूचित क्षेत्र ठीक है घोषित करने का संवैधानिक जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, और यहाँ पे नियुक्ति अधिकारी बताए थे हम लोगों ने। ठीक है ना, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, ठीक है तो ये 5 लाख है। और भारत की राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए ठीक है तो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, अगर पहले राष्ट्रपति हटते हैं और उस समय उपराष्ट्रपति अवेलेबल है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते किसी कंडीशन में तब ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो ये राष्ट्रपति के लिए बात होती है। बिहार का राज्यपाल जो रह चुके हैं वो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। और इसके अलावा अगर हम देखें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदारण करने वाले पदाधिकारी, तो ये हो गए आपके संघ के मंत्री और राज्य के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, वो वराहगीर वेंकट गिरी हैं। और भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके अलावा आपके मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। मनी बिल को पुनर्विचार, देखिए धन विधेयक जो होता है उसे लौटाने की संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, और श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो वो 14वां है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि राजेंद्र प्रसाद जी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे छोटी अवधि 1 वर्ष 11 दिन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति कौन सी होती है, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया। ठीक है, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड का हो। ठीक है, इन कंडीशन में केवल करेगा जबकि मृत्यु वाला जो होता है उसको माफ करने की राज्यपाल के पास में
शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति में है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, तो देख लीजिए यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए तो यहाँ पे देख लीजिए केवल राज्यसभा में, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जो सभापति है वो भी उपराष्ट्रपति होता है। और ये देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद मैंने आपको पढ़वा दिए थे, ठीक है, यहाँ मैं केवल आपको दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना है, ठीक है, ये पद की तुलना है, आप इसे देख लीजिएगा, मैंने दोनों बता दी थी, ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है और ये राज्यसभा में, ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, ठीक है, तथा राज्यसभा विधानसभा निर्वाचित सदस्य के साथ दिल्ली या पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं, ठीक है, और राज्य के विधानमंडल सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक। और यहाँ पर राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, और यहाँ पे केवल राज्यसभा में, ठीक है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। भारत के उपराष्ट्रपति, ये मैंने आपसे कहा था, मैं इसे फिर से दिखा दे रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी किस सदन के अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है उस सदन का सदस्य नहीं होता तो वो राज्यसभा है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में पदभार, तो ये देख लीजिए कौन ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन सदस्य भाग नहीं लेते तो वो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, ये था हमारा आज का आखिरी पेज। देखिए रिविजन कितनी जल्दी हो गया, जबकि पढ़ाने में समय लगा था, ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे 2-3 मिनट ही टाइम लगेगा रिवाइज करने में। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री न्यूनतम आयु जो चाहिए 25 वर्ष होती है। और देखिए यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री सदस्य के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें अधीन होती है, प्रधानमंत्री में होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने तो देखिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या 50 होनी चाहिए। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री सामान्यता किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कहा गया था किसमें, 51वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में संसद का सदस्य नहीं होने पर। देखिए व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी थी, ये दोनों में अंतर है, आप इसे देख लेना, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक है, ऊपर भी मैंने यही पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे हो गया मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी संसद के प्रति होते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अनुच्छेद 257 है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण जो है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री, तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार संसद में उपस्थित नहीं हुआ, वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जो कि एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज होता है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित, तो यह गोपाल स्वामी अयंगर के। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने आपको कंप्लीट करा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम सभी सब्जेक्ट इसके अंदर जो है कंप्लीट करने वाले हैं और ये बुक आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, यकीन मानिएगा दोस्तों। ठीक है, भटकना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य तक जाना है और अपना श्योर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, क्या आपको अगर श्योर सिलेक्शन लेना है तो मैं ये कहूँगी कि आप इस बुक को रट डालिए। अगर आप इसे रट लेती हैं, आप इसे बार बार पढ़ती हैं, रिवाइज करते हैं ईमानदारी से, ठीक है,
ध्यान करिए आप स्कूल डेज में क्या करते थे, आप रिवाइज करते थे, पढ़ते थे, ईमानदारी से पेपर देते थे, ठीक है? तो वही करिए, अगर आप वही करते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं यहाँ पे आपकी पूरी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? इसके साथ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट चलेंगे। आपको केवल इतना सा काम करना है कि आप लोगों को हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है? इसे सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, वहाँ पे पर्सनल लिख के आएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और वीडियो डेली डेली अपलोड होती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी क्वेरी के बारे में कुछ भी मतलब पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर किसी के लिए बहुत काम का हो सकता है। जिनके पास ये बुक नहीं है वो इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं बार बार, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे।